दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। तो दोस्तों, आज स्कूल की बहुत याद आ रही है, तो जो हमारी वंदना होती है उसमें प्रातः स्मरण होता है, तो मैं आपको दो तीन पंक्ति उसकी सुना रहा हूँ। जो हाथ होते हैं अपने, उनको यूं रखना है, ठीक है? वो देखिए, दो चार पंक्ति सुनाऊंगा मैं। कराग्री वस्ती लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समश्वमी। चलो तो दोस्तों, ये है प्रातः स्मरण, जो हमें सुबह उठते ही जब सुबह उठते हैं शुरू में, तो उसमें पलंग से उतरने से पहले अपन को ये करना होता है। तो आप सब भी लोग भी कीजिए घर पे, ये प्रातः स्मरण है। इसका भावार्थ अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये संस्कृत में है, ठीक है? और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए, आज हम फिर वापस जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। तो देखिए, मैंने एक लोटा ले लिया और उसमें आधा दही यानी 7 चम्मच में दही के ले लूँगा इसमें, क्योंकि आज बोरी चढ़ाने जाना है हमें, इसलिए हम बोरी चढ़ाने जाएंगे। सब बच्चों को भी ले जाऊँगा आज वहाँ पर वापस, धोख दिलाने बच्चों को ले जाऊँगा आज। देखिए, ये मैंने ले लिया दही और खोन ले लिया मतलब लोटे में, और ये नमक की बोरी ले ली है। जो थैली है इसको हम बोरी बोलते हैं, बोरी चढ़ाना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं माता जी के, इसलिए। और ये देखिए, काव्या भी हो गई है रेडी, ये भी आ गई थी तो बोले मैं भी चलूँगी। ये देखिए, नितिन भी थैली लेके, बोरी लेके चल रहा है, और नवीन के पास लोटा गाड़ी पे। ये देखिए, हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, निकिता भी है आज हमारे साथ। इन सबको मैं धोख दिलाने ले जा रहा हूँ माता जी के, क्योंकि घर में एक बच्चे होने के बाद क्या धीरे धीरे सब बच्चों में फैलने की वो रहती थोड़ी सी, इस कारण सबको एक बार दिखा लाता हूँ, मतलब धोख दे लाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हरियाली इधर हम देखिए, यहाँ तक इधर से निकल रहे हैं वापस। देखिए मंदिर वापस वही रास्ता, एक बार और विजिट कर लिए मेरे गांव का आप। और ये देखिए, ये पोड़ है, और ये देखिए, ये रास्ता है। मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी, वीडियो लंबा हो गया था इस कारण। और ये देखिए, हम लोग आ रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता जी के स्थान तक। ये देखिए, और ये रख दी मैंने नमक की बोरी, पहले भी किसी ने कोई चढ़ा गया है यहाँ पर। तो ये देखिए, नमक की थैली को थोड़ा वो करके मैं यहाँ पर सौंप के, ये नमक, अब मुझे पता नहीं कैसे क्या करते हैं, पर मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा कर दिया। और ये देखिए, मैं अब ये दही है वो चढ़ा रहा हूँ माता जी के, ये देखिए। और नितिन की काफ़ी फ़र्क भी है दोस्तों, अब ठीक हो रहा हूँ। आप सबकी दुआ और माता जी का आशीर्वाद इससे बना रहे। देखिए दोस्तों, सचान भी करना बोलते माता जी को। और देखिए, सब बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, नितिन, निकिता, काव्या, और में वही माता जी की जो अगर वगैरह वो रहती हैं मिट्टी, वहाँ पर वो लगा रहा हूँ उसके, तो काफ़ी फर्क है इसके पूरे शरीर के लगानी है मुझे। देखिए, और हमारा हो गया पूरा पूजा का काम, अब हम वापस निकल रहे हैं घर को। ये देखिए, इधर चप्पलें हमारी इधर पड़ी थी, इसका ये आ गया ना नितिन, तो काफ़ी दफी प्रणाम करके निकल दिए। चलिए देखिए, हम लोग आ चुके हैं और वापस सब घर जाने की तैयारी। ये देखिए, हम नितिन भाग के आ रहा है, एक आवे इसके दोनों भाई बहन भाग के आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बोला, ये पोड़ होती है दोस्तों हमारे, ये मेन दरवाज़ा बड़ा है, इसे पोड़ बोलते हैं, और अंदर फिर घर होते हैं। और ये देखिए, आज हताई भी दिखाते हैं, जहाँ पर गांव की चौपाल वगैरह लगती कोई भी हो बात, तो ये हताई में करते हैं। ये जो पूरा चौक एरिया है, ये पूरी हताई है हमारे गाँव की दोस्तों, ये हताई है पूरी, ये तो चौड़ाई जगह गाँव के बीच थोड़ी जगह रहती है चौड़, और इस जगह हताई में बैठते हैं, ये हताई है।
ये देखिए हरे हरे खेत, लोगों ने गर्मी के लिए जानवरों के लिए चारा बो दिया। और ये दोस्तों हमारा कुआ है यहाँ पर, ये कोटड़ी है, इसमें मशीन वगैरह के स्टार्ट वगैरह होते थे। और ये देखिए पानी नहीं, इस कारण क्या दुर्दशा हो चुकी कुएँ की। इस खेड़े में हम छोटे छोटे थे तो बहुत नहाते थे, यहाँ से पानी जाता था। और ये देखिए अभी हम चुप लोग आ चुके हैं वापस घर पे, ये देखिए अभी हम सब लोग आ चुके हैं घर पे वापस, ये देखिए। और वही जो खोड़ है माता जी का, अब मैं सब बच्चों को पिलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सबको पिला दूंगा, थोड़ा सा मैं भी पी लूंगा। बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, जब माता जी के होके कोई प्रसाद के रूप में चीज़ आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए आज मैं आपको कव मिल्किंग का वीडियो पूरा दिखा रहा हूँ, फुल वीडियो दोस्तों एंजॉय कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अभी मैंने गणेश, और ये मेरी गाय है पार्वती, और ये इसका बछड़ा है गणेश, पार्वती और गणेश है, उसका नाम रख रखा हमने। दोस्तों मेरी पार्वती की भी, ये भी मैंने खरीदी नहीं थी ये गाय, ये कहीं से आ गई थी, मतलब कुछ छोड़ गया था, राम जाने क्या हुआ था, जब अकाल पड़ा था 3-4 साल पहले, तो इसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो फिर किसी ने नहीं बांधा, तो फिर इसको मैंने बांध लिया था। और फिर ये कुछ महीने 1.5 महीने बाद इसकी डिलीवरी हो गई थी, भी आ गई थी फिर ये मेरे पास ही, दूध सारा बेहतर थे इसका, दूसरी बार भी आई मेरे पास ही, पता नहीं कहाँ से क्या थी, कौन था इसका असली धनी पता नहीं, कुछ छोड़ गया था, फिर मैंने इसको बांध लिया था, हमें दूध मिल गया और बेचारी भी, उसको भी रहने का सहारा मिल गया। हाँ इसकी थोड़ी सी आदत ख़राब है, ये जैसे बच्चे बच्चे पास जाते तो मार यही है, बाकी हम बड़े जैसे बड़े जाते हैं तो उनको तो नहीं मारती है, बाकी बच्चे बच्चों को मारती है, थोड़ी आदत ख़राब है इसकी, वो क्या छोटा छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो जब बच्चे गाय के बछड़े वगैरह छोटे रहते तो छोटे बच्चे क्या थोड़ा खिलाते हैं, तो उसके बच्चे और जो होते मारने लग जाते हैं। देखिए वहीं मैं लगा रहा हूँ उनके ब्रेसलेट गाय के पहले थनों पर, क्योंकि इसके थन फट जाते हैं हवा से, तो मैं जब तक ही दूध देती हूँ हमेशा लगाता हूँ। देखिए मैंने थन धो लिए इसके, और अब मैं कर रहा हूँ कॉम मिल्किंग का काम स्टार्ट। दोस्तों बहुत जो गिर गाय है हमारी देसी गाय है, तो उसका दूध भी बहुत मीठा होता है, घी मतलब बहुत है, दही बहुत अच्छा टेस्ट लगते हैं दोस्तों, बहुत ही उपयोगी भी है इसका जो घी दूध दही वगैरह जो भी है, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं हमारे शरीर के लिए। जो एक अमेरिकन गाय होती है तो उसका दूध तो पतला होता है, और उसमें जो मिठास होती है वो कम होती है, और मतलब जो देसी गाय उसका दूध हम फीका भी ऐसे पी लें तो मीठा लगता है। और हमने शुरू से देसी गाय का ही दूध पिया था, हमें वही अच्छा लगता है, हमेशा हमने गाय ही रखी है, भैंस भी रखी एक बार दो बार, पर भैंसों पड़ती नहीं हमारे, रखी थी हमने पर नहीं हो पाता, प्रॉफिट नहीं है भैंस में हमें, इस कारण हम तो गाय ही रखते हैं। गो माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, तो ये मक्खियाँ खा रही इस कारण उछल रही है, थोड़ी थोड़ी पेड़ हिला रही है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है तो बहुत सारी मक्खियाँ उगती हैं, हमारा आपने देखा भी होगा वीडियो में, मक्खियाँ बहुत है हमारे इधर, पता नहीं किसने पोल्ट्री फार्म बना रखा है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर दवाई भी नहीं छिड़क रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो रही है हमारे इधर, क्योंकि दवाई नहीं आ पा रही है वापस। तो देखिए अभी चल रहा है कॉम मिल्किंग का काम, दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप,
पहले इसको हम वहाँ बांधते थे गाय को घर के सामने, पर अब खेत खाली हुए तो हम यहीं इसे को बांधने लग गए हैं। दिन में तो हम खोल देते हैं इसको, तो ये चर के आ जाती हैं और शाम को आ जाती है 5-5:30 के बीच में, तो फिर सुबह तक बाहर ही बांध देते हैं इसको यहीं खुले में। अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई तो ये अंदर मतलब जैसे कब शेड में ले जाने की कोशिश करते हैं ना तो जाती ही नहीं है, इसको बाहर ही बैठना अच्छा लगता है क्योंकि बाहर हवा अच्छी आती है। तो और गर्मी हमारी बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40-42 के लगभग चल रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। देखिए पूछ से मार रही है जिसको अच्छा नहीं लगता मारने तो ये पूछ से मारना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। ये देखिए कभी कभी मुझे पता पड़ जाता है इसकी पूछ से सिग्नल देती थी कि इसका दूध निकलाने का मन नहीं है, सर सर में मारती पूछ से ये देखिए देखिए दोस्तों ऐसा काउ शेड है हमारा, उधर देखिए आप काटू से लगाए, कांटे लगा के ऐसे बनाते हैं छपरा टाइप, बहुत दिक्कत होती है बरसात के दिनों में। देखिए चल रहा काउ मिल्किंग का काम, देखिए मैंने आप तो इसकी तेज कर दी थी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था इस कारण। और दोस्तों आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा वॉच करें दोस्तों। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें, और जितने भी वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगता है लगा है उसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं दोस्तों। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और देखिए दोस्तों मैंने नोजरा खोल दिया है दूध रखते हुए, अब थोड़ा सा दूध रखा है जो मैं गणेश को वापस पिलाऊंगा। ये देखिए इसको मैंने बाहर रखा है, वापस वैसलिंगड़ी भी रखती मैंने यहीं पे, ठीक है अब इसको मैं बांध दूंगा। तो इसे अपना प्यार और साथ बनाए रखे, थैंक यू सो मच दोस्तों।